सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांवों की जल जल सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। जहां जहां विकास के काम अटके हैं उन्हें तय समय अवधि में पूरा किया जाए। यदि किसी भी पटवारी, आरआई या तहसीलदार ने लापरवाही बरती तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये बात कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर के जनपद जिला पंचायत पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों की बैठक में कही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर खूब सख्ती भी दिखाई। इस दौरान कई बार मंत्री सिलावट आग बबूला भी हुए। देखिए एमपी न्यूज की खास रिपोर्ट। सांवेर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं, मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेताया। जिला पंचायत और जनपद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अफसरों को दी हिदायतें। इंदौर के नजदीक सांवेर विधानसभा के लंबित कामों को लेकर अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी के चलते उन्होंने शनिवार को रेसिडेंसी कोठी पर तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को लास्ट वार्निंग दे दी। इस बैठक में खराब सड़कों से लेकर एमपीईबी के ट्रांसफार्मर बदले जाने और किसानों को होने वाली परेशानियों को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए। मैं बस इस पर निर्देश दे रहा हूँ, जितने अधिकारी बैठे हैं सुन ले, तो किसी प्रति नहीं चलेगी या काम करना रुको, घर जाना रुको। मैं बस इस पर निर्देश दे रहा हूँ, जितने अधिकारी बैठे हैं सुन ले, तो किसी प्रति नहीं चलेगी। कल मैं गया, मेरी स्थिति बहुत खराब थी। किशनगढ़ आपकी है ना? किसकी आपकी है? किशनगढ़ किसकी आपकी है? अनोट से किशनगढ़ा अजनोटी, अजनोटी जी किसके पास है? इस मौके पर इंदौर जनपद अध्यक्ष विश्वजीत सिंह कान्हा भी मौजूद रहे और सांवेर के करीब 180 गांवों की समस्याओं को क्षेत्रवार दूर करने की बात कही, जबकि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मंत्री जी ने कड़क अंदाज में समझाइश भी दी। करने का मुझे आपने बोला है, इतने लोग बैठे हैं ये जाएंगे। मैंने कहा मैं 10 दिसंबर को तारीख में समीक्षा करूंगा, सारे काम पूरे उस टाइम में किंतु सुनूंगा ना परंतु सुनूंगा। इस मौके पर उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की है उन्हें पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट तय की गई है, जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और कल मुख्यमंत्री जो किसान के बेटे, एक जनसेवक, एक नायक विकास और प्रगति का, कल उन्होंने एक सेतु का लौकुश पर पूजन किया। जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि बाणंग से लेकर अरविंदो से आगे तक एक सेतु और बनाया जाए, उन्होंने उसको स्वीकृति दी और वो इंदौर विकास पार्टी विशेष मत से लगभग उसकी लागत 100 करोड़ होगी। और उससे बड़ी एक सौगात, एक सपना, एक संकल्प हमारा था कि जब मेट्रो इंदौर आए, इंदौर से मेट्रो सांवेर जाए और जो सिंहस्थ हमारा होता है, हमारी धर्म संस्कृति का आस्था का स्थान ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है, पूरा देश वहाँ आता है मस्तक, वो मेट्रो इंदौर से सांवेर, सांवेर से उज्जैन जाएगी। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दी और कई इंदौर विकास प्राधिकरण की योजनाएं विकास और प्रगति में काम कर रही थी, अड़चन आ रही थी। एक बड़ा समूह जो मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की बुनियाद है, हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, कुछ स्कीम से कुछ कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने मन से कहा जितने भी किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, एक एक किसान से सरकार इंदौर विकास प्राधिकरण चर्चा करेगा, उनकी सहमति के बाद हम स्कीम लागू करेंगे। आप जानते हैं कि सांवेर एक 189 गांव जो नर्मदा का जल 3,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है, उसको सारी औपचारिकताएं, निविदाएं,
की औपचारिकताएं पूरी हो गई है, काम हम प्रारंभ करने की स्थिति में आ गए हैं। उसी के साथ स्वास्थ्य में हमारा सांवेर पूरे जिले में नंबर वन आने वाला है, शिक्षा में नंबर वन, जल में नंबर वन। अब हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि सड़कों में भी नंबर वन सांवेर बने। आपको पता है सांवेर का आंतरिक मार्ग वो हमने पूरा किया, एक ये 4.5 करोड़ का था, हमने सांवेर से चंद्रावतीगंज पूरी की, सांवेर से अजनोद पूरी की, सांवेर से पानोड़ो बिलोदा नाता पूरी की। अभी एक बड़ी सड़क की सौगात मकोड़िया मच्छुकेड़ी पौड़ा दाई हमने स्वीकृत MPRTC की है। बैठक के चलते रेसिडेंसी कोठी पर बड़ी संख्या सांवेर के जनप्रतिनिधि, BJP कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।